नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप ऐसी फ़ोटोज़ कैसे बना सकते हैं। तो मेरा नाम रोहित, आप देख रहे हैं आरसी टैक। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें लेनी होगी एक क्लियर फ़ोटो जो कि जूम करने से फटे ना। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले अच्छी फ़ोटो लेनी है और उसका बैकग्राउंड हमें काट लेना है। तो ये हम करेंगे पिक्सआर्ट में। पिक्सआर्ट को मैं ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने, आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। मैं इसे स्किप कर दूँगा। स्किप करने के बाद मुझे ना है प्लस के ऑप्शन पे, प्लस के ऑप्शन पे जाके मुझे वो फोटो, वो नीचे जाके बैकग्राउंड लेना है, वाइट वाइट बैकग्राउंड लेना है। ये साइड को मैं स्किप कर दूँगा। मैंने ले लिया है वाइट बैकग्राउंड। उसके बाद जो मुझे जाना है जी, मैं इधर नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा ड्रॉ के ऑप्शन पे। ड्रॉ के ऑप्शन जाके मैं पेंसिल पे क्लिक करूँगा। सबसे पहले मैं करूँगा कलर चूज़। कलर चूज़ करना है मुझे येलो, जो कि मुझे मुझे सर्कल रखना है उससे मैं रखूँगा येलो। तो मैंने येलो कलर पे कर लिया है, इसे मैं येलो पे कर लूँगा। इसे मैं टिक कर लूँगा। टिक के करने के बाद मुझे जाना है सेव के ऑप्शन में। सेव के ऑप्शन में जाके मुझे क्लिक करना है सर्कल के ऊपर और मुझे इसका फिल के ऊपर कर देना है, ओके कर देना है। और मुझे सिंपली स्लाइड करना है स्क्रीन के ऊपर, जो सर्कल आ जाएगा विद कलर। और मुझे ऐसे सिंपली इसे इतना रख लेना है जो ठीक है। मैं थोड़ा छोटा कर लूँगा इसको, अच्छे से गोल पे रखना है और इसे मैं अच्छे से कर लूँगा। आपको भी अच्छे से कर लेना है। मैं इसका कलर चेंज कर दूँगा। तो मुझे अभी इसका कलर चेंज करना, जो मैंने आउटलाइनिंग करनी है। ओह सॉरी, मेरे से ये कलर अलग हो गया है। मुझे इसका कलर नहीं करना था, ताकि मैं लाइन का कलर करना था जो कि मुझसे इसका हो गया है। मैं इसे फिर से येलो कर दूँगा। उसको टिक कर देना है। तो दोस्तों, टिक करने के बाद मुझे फिर से ड्रा के ऑप्शन पर जाना है। ड्रा के ऑप्शन पर जाना है पेंसिल के, तो मुझे जाना है सेव के ऑप्शन पे। सेव ऑप्शन जाके मुझे देनी रिंग और मुझे इसका करना है टिक कर देना है। वो सॉरी, इसको मैंने शॉर्ट साइज इसका छोटा करना है, जैसे वो आउटलाइनिंग ब्रीक हो। मुझे दोस्तों सिंपली स्लाइड करना है और मुझे इसके बराबर आउटलाइनिंग लगा देनी है ब्लैक। तो आप कर सकते हैं कि आप एकदम बराबर लगाएं ताकि अच्छा लगे देखने में। मैं इसे बराबर कर रहा हूँ। आपको ध्यान से करना है कि देखने में मेरे को अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे। मैं ऊपर से थोड़ा सा वाइट दिखाई दे रहा है, मैं उसे बिल्कुल पूरा कर दूँगा पूरा। तो दोस्तों, ये हो चुका है मेरा, इसे मैं टिक कर दूँगा। मेरा हो चुका है, मैं इसे टिक कर दिया। अब मुझे वो फ़ोटो लेनी है जो कि मैंने काटी हुई है। ऐड के ऑप्शन पे, ऐड फ़ोटो के ऑप्शन पे जाके मैंने वो फ़ोटो ले लेनी है। मैंने ये फ़ोटो ले ली है। आप जानते होंगे जी कौन हैं। जी हाँ जी, सिद्धू मूसेवाला जी हैं। मैं इसको एडजस्ट करूँगा, मैं इसको थोड़ी बड़ी कर दूँगा ताकि इनका सर थोड़ा सा बाहर रहे। और नीचे से मैं ये सब इरेज कर दूँगा। मुझे इसको इतना ठीक है और मुझे इरेज के ऑप्शन में जाके इसको इरेज कर देना है। दोस्तों, इसे इरेज कर दीजिए एकदम अच्छे से, करना कि आउटलाइनिंग एकदम बढ़िया दिखे। उसका कोई चक्कर नहीं कि आप अंदर से कैसे इसको ये रिस्टोर हो सकता है। तो दोस्तों, इसे मैं एकदम से काट दूँगा और इसे रिस्टोर कर दूंगा। अभी मैं जो अंदर से कटिंग हो चुकी है मेरे से, मैं इसे भी कर दूंगा रिस्टोर। तो दोस्तों, मैं इसे रिस्टोर कर रहा हूँ। जो अंदर से मेरा आउटलाइनिंग कैंसिल हो चुकी है, इरेज हो चुकी है, मैं उसे भर दूंगा ताकि देखने में अच्छा लगे। ऐसे मैं जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ, आप आराम से कीजिएगा एकदम से बढ़िया से। तो लीजिए, जो मेरी हो चुकी है कटिंग, मैं इसे टिक कर दूँगा, टिक कर दूंगा। इसके बाद मुझे क्या करना है कि टिक जो साइड पे टिक होती है, मुझे जाना स्टिकर के ऑप्शन पे और मुझे सर्च करना है। ये ओपन फिर से हो गया। मैं ये टिक टिक पे ऑप्शन में जाके टिक दूंगा और जहाँ पे बहुत सारे टिक आएंगे, मुझे जाना है जो नीचे टिक दी गई है, मुझे इस पर क्लिक करके इसके राइट साइड में लगा देना है, जो कि इन दोनों के सेंटर में लगाना है। आप देख भी सकते हैं कि इसका ट्रेंड ही ऐसे है। तो मैं इसे अच्छे से कर दूंगा टिक। दोस्तों, इसे मैं टिक कर दूंगा, मैं वो अच्छे से एडजस्ट कर लेना, मैं इसे टिक कर दूंगा। तो जी, मैं सेव कर लूँगा अभी फ़ोटो। फ़ोटो सेव नहीं करूँगा अभी, मुझे नाम भी लिखना है। मैंने नाम लिख लिया इसका। मैं कलर भी चेंज करूँगा, ब्लैक कर दूँगा और इसे मुझे सिंपली एक साइड पे ले जाके लिख देना है। मैं जहाँ पे इसको कर दूँगा छोटा, आप देख सकते हैं कि मैंने जो कर दिया, मैं इसे टिक कर दूँगा। अब मैं सिर्फ सेव कर लूँगा, मैं जाऊँगा सेव पे। अब मुझे इसको सिंपली ये ऐड आ रही है, मैं इसे स्किप कर दूँगा। मैंने इसे स्किप कर दिया है।
आप देख सकते हैं मेरी फ़ोटो अभी सेव होने वाली है, जो मैंने सेव कर दिया अपनी गैलरी में। मुझसे ये 2 बार ही हो चुकी है सेव, और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने गैलरी में कैसे फ़ोटो आई है। आप देख सकते हैं कि मैं विद प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये फ़ोटो एकदम बढ़िया से तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं दोस्तों, आप भी ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान है, ज़्यादा इसमें जेंट वाली ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान, आप ट्राई कर सकते हैं।